दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। आइए जानते हैं इसकी तीन महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना ज्यादा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे, उनके नजरों में आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहो तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट दो उसे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। आप जब लोगों की रिस्पेक्ट देते हो तो लोगों की नज़र में आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है, खुद की वैल्यू कैसे करें। इससे पहले कि लोग आपका वैल्यू करें, उससे पहले खुद का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना आपकी खुद की नज़र में है। खुद की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। सवाल ये उठता है कि खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। खुद की नज़रों में वैल्यू इस बेस पे बढ़ता है कि आप दिन भर क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पे क्या लिखते हो, आप सोशल मीडिया पे क्या देखते हो। इससे खुद की वैल्यू बढ़ती है, इससे आपका वैल्यू का पता लगता है। अरे साहब, एक छोटा सा फंडा है, खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो, खुद के फ्यूचर के लिए काम करो, खुद ब खुद आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, खुद की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर खुद की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ गई तो लोगों के नजरों में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपका वैल्यू नहीं करेंगे, आपके टाइम, आपके पोजीशन का वैल्यू करेंगे। इसीलिए लाइफ में एक गोल रखो, एक पर्पज रखो, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छी पोजीशन नहीं होगी, आप लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर लोग हमेशा वैल्यू करेंगे आपके पोजीशन के, आपके टाइम की, अगर ये दोनों नीचे हैं तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, और लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग लाइफ में ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, चाहे आप देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाएं, लोग आपके वैल्यू नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना मत, ऐसे लोगों के बारे में सोचने से अच्छा है खुद के बारे में सोचना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।